हेलो एवरी वन एज यू ऑल नो दिस इन हरगति वारी सो गाइज वैक विद एन दीडियो रिलेटेड यू सीरीज ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंट टू कवर अप नेक्स्ट टॉपिक तो उसने पहले वाले पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल के प्लेस्ट में जाकर जरूर देखें उसको क्योंकि हमने वहां पे उसका जो बेसिक है वो डिस्कस किया है आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जॉइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप एस डब्लू एन टी और कंटेंट मिलेगा आपको वेबसाइट पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो विदाउट एनी फादर डिले स्टार्ट दिस वीडियो ले लेते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एज जो बच्चे नए हैं उनको ये बेसिक समझना जरूरी है कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट होता क्या है जैसे कि हमने बताया था कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेसिकली क्या है एक बिजनेस जिस तरीके से अपने स्टॉक को मैनेज करती है ताकि कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई कर पाए एंड एट द सेम टाइम वो ओवर स्टॉकिंग ऑफ गुड्स को भी अवॉइड कर पाए ताकि उसकी जो कॉस्ट है जो इस तरीके से हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ रही है वो ना बढ़े ठीक है सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने बेसिक में ये सब पढ़ा था तो यहाँ पे अगर आप देखो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज लाइक कीपिंग योर वेयर हाउस टाइडी एंड ऑर्गेनाइज वेयर हाउस कहें या हम कहें यहाँ पे वेयर हाउस नहीं होगा यहाँ होगा वार्ड ठीक है जो आपकी अलमीरा है उसको साफ़ रखना और ऑर्गेनाइज रखना एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे ठीक है बट इंस्टेड ऑफ कीपिंग यू क्लोथ एंड एसेसरीज अबाउट एफिशियंसली एफिशियटली हैंडलिंग गुड्स इन द स्टोर एंड वेयर हाउस इमेजिन यू हैव अ कलेक्शन ऑफ टॉयज ठीक है ये जो है यहाँ पे सही है यहाँ पे ये आपको दिया गया है कि जो आपका वेयर हाउस है जो आपका गोडाउन है ठीक है जहाँ पे आपने स्टॉक रखा हुआ है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब कि वहाँ पे जो भी इन्वेंट्री है जो भी वेयर हाउस है उसको ऑर्गेनाइज रखना आपको ताकि जो भी चीज़ आपको जब भी ज़रूरत है वो आपको वहाँ से आराम से मिल जाए और आप उसको एफिशिएंटली हैंडल कर पाओ तो so इमेजिन अगर आप करो कि आपके पास टॉयज का कलेक्शन है एंड यू मेक श्योर और आप यू मेक श्योर करते कि आपके पास हर टाइप का टॉय जो है वो अवेलेबल हो और ये भी मेक श्योर sure करते हो एट द सेम टाइम कि ओवर क्राउडिंग ना हो जाए उस चीज़ों की मीन्स मतलब आपको लगता है कि बहुत सारे टॉयज हैं उसको मैनेज करना ना हो वो भी ना हो क्या मैनेज नहीं कर पा रहे हो और सफिशेंट टॉयज इतने हो कि अगर कोई आपसे आता है और कहता है कि मुझे भी खेलना है तो आप उसको दे पाओ तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन हैविंग इनफ क्वानिटी टू मीट द नीड ऑफ कस्टमर एंड एट द सेम टाइम अवॉइडिंग ओवर स्टॉक ऑफ आइटम्स टू रिड्यूज दैंडलिंग कॉस्ट तो जैसे कि मैंने बताया कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो एक बैलेंस बनाता है कि आपके पास इतना स्टॉक अवेलेबल हो कि आप कस्टमर की डिमांड को पूरा कर पा रहे हो और एट द सेम टाइम इतना भी ज्यादा ओवर स्टॉकिंग ना हो जाए आपके पास कि उसको हैंडल करने का उसके स्पेस में वेयर हाउस में वो कवर अप करने का उसको मैनेज करने का आप कॉस्ट लगा रहे हो और उसको रिटर्न में आपसे कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि वो माल जो है वो निकल ही नहीं रहा है वो बिक ही नहीं रहा है वो सिर्फ रखा रखा सड़ रहा है तो वो नहीं होना चाहिए ठीक है अब हम यहाँ पे पढ़ना है हमें कि प्रोसेस क्या हमने सीख लिया कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है तो किस तरीके से मैनेज करेंगे वो प्रोसेस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो पहले होता है इन्वेंट्री फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग अगर आप इन्वेंट्री की प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो ये फोरकास्ट करो कि आपको कितने स्टॉक की रिक्वायरमेंट है ठीक है और कैसे आप फोरकास्ट करोगे कि कितने स्टॉक की जरूरत हो सकती है मुझे कितना मुझे ऑर्डर करना चाहिए मेंटेन करना चाहिए वो आप कर सकते हो हिस्टोरिकल डेटा ले सकते हो पीछे का पास्ट कितनी सेल्स हुई किस चीज़ की ज्यादा डिमांड है उस हिसाब से आप कर सकते हो या फिर आप जो मार्केट में ट्रेंड चल रहे हैं उनके हिसाब से स्टॉक को अपने पास उस क्वांटिटी में रख सकते हो जिसका ज्यादा ट्रेंड है वो ऑफकोर्स ज्यादा बिकेगा तो उसकी क्वान्टिटीज ज्यादा मंगा सकते हो तो सबसे पहले तो आपको इन्वेंट्री की फोरकास्टिंग और प्लानिंग करनी है सो दिस स्टेप्स इन्वॉल्व फोरकास्टिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री डेट नीड्स टू बी ऑर्डर एंड मैनेज टू मीट द डिड ऑफ़ द कस्टमर दिस फोरकास्टिंग इज डन बाई प्रॉपरली पास डेटा मार्केट अदर रेलिवेंट फैक्टर जो मैंने बोला वही चीज यहां पे इंग्लिश में आपको लिखी हुई है तो नोट्स आपको कहां मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में है लिंक वेबसाइट का वहां पर ठीक है नेक्स्ट जो प्रोसेस का स्टेप है वो है आपका सेटिंग इन्वेंट्री लेवल नेक्स्ट आपने एक बार फोरकास्ट कर लिया कि मुझे कितने इन्वेंट्री चाहिए अब आपको इन्वेंट्री का लेवल सेट करना है आफ्टर फोरकास्टिंग इज डन द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट आपको मंगाना मान लो आपकी ब्यूटी शॉप है तो आपको क्या कहते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट मंगाने तो आपको क्या चीज कितनी मंगानी है

तो उस केस में आप ये अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो सबसे ज्यादा बिक रहा हो ठीक है मोस्ट सेलिंग आइटम जैसे कि ब्रेड है मिल्क है रोज आपके लोग आके लेके जाते हैं तो आप ये इंश्योर करोगी कि इसका जो है वो स्टॉक मैक्सिमम मिनिमम बायदा मैनेज रहे ठीक है वेन द स्टॉक ऑफ दिस आइटम्स गोज बिलो दैट लेवल इट ट्रिगर दी ऑर्डर जब आपको लगता है कि इसका जो है स्टॉक ये आइटम जो कि बहुत ज़्यादा बिकने वाले हैं मोस्ट सेलिंग आइटम है आपको लगता है कि वो आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं या बिलो डेड लेवल जा रहे हैं मैं आपको था कि मैक्सिमम मुझे 10 से 10 यूनिट बनानी है और आपको लग रहा है कि आप जो है ये 10 से नीचे जा रहा है तो फिर आपको समझ में आ आगे मुझे रीऑर्डर करना पड़ेगा अदरवाइज कस्टमर वापस लौट जाएगा ठीक है तो आपको ये चीज़ फिर करनी होगी यहाँ पे सिमिलरली यू कैन ऑलसो सेट द मैक्सिमम लेवल फॉर द स्टॉक सिमिलरली आप मिनिमम लेवल सेट कर सकते हो और मैक्सिमम लेवल कि कितना मैक्सिमम मंगाना हो कितना मिनिमम इतना तो मंगाना ही मंगा क्योंकि इतना बिकेगा ही बिकेगा और मैक्सिमम कितना मंगा सकते हो वो भी आपको करना है ताकि आप ये डिटरमाइन कर पाओ कि कब आपको ऑर्डर नहीं करना है स्टॉप करना है ताकि ओवर स्टॉक ना हो जाए स्टॉक जो है वो पाइलप ना होता जाए ठीक है तो ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप कि पहले तो इन्वेंट्री हमने देखी कि आपने पहले फोरकास्ट किया कितनी इन्वेंट्री मंगानी है क्या है उसके बाद इन्वेंट्री का लेवल डिसाइड किया कि कितनी मिनिमम या मैक्सिमम क्वांटिटी हर एक प्रोडक्ट के मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए ताकि कस्टमर की डिमांड जो है वो पूरी हो पाए और एट द सेम टाइम ओवर स्टॉकिंग ना हो नेक्स्ट है आपका सप्लायर्स के साथ मैनेजमेंट कई बार आपने ये सब चीज़ें डिटरमाइन कर ली कि कितनी चाहिए क्या चाहिए अब आप, आप एक गुड रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे सप्लायर के साथ कैन रियली प्रोवाइड अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू द कंपनी और सप्लायर के साथ जो आपको माल दे रहा है उसके साथ अगर आपका अच्छा रिलेशन है तो उससे आपकी कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट होते हैं पहले तो आप सप्लाई के साथ बेस्ट प्राइस के लिए निगोशिएट कर सकते हो ठीक है बार्गिन कर सकते हो कि मुझे इस प्राइस पे आप दीजिए दूसरा है जब भी आपको डिलीवरी चाहिए गुड्स की आप वो स्केड्यूल करा सकते हो उसके साथ ठीक है तो अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड अगर है तो आप ये इंश्योर कर पाओगे कि आपके जो प्रोडक्ट है उसके टाइमली और स्मूथ डिलीवरी आपको मिले मतलब लेट ना हो डिलीवरीज ना ही उसकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो नेक्स्ट जो स्टेप है आपका फिर तो आप देखा कि आपके पास ऑफकोर्स सप्लायर है उसके साथ आपका अच्छा रिलेशन है नेक्स्ट आपके क्या करना है उसके पास ऑर्डर प्लेस करा देना है ऑर्डर प्लेसमेंट क्या है कि दिस इज द स्टेप वेयर यू एक्चुअली प्लेस द ऑर्डर फॉर द प्रोडक्ट यू नीड फ्रॉम द सप्लायर अब आपको सप्लायर से जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए जिस क्वांटिटी में चाहिए उसके पास उसको क्या करना है ऑर्डर प्लेस कराना है वेन योर इन्वेंट्री ड्रॉप बिलो सर्टेन लेवल कॉल द री ऑर्डर पॉइंट यू कैन क्रिएट अ लिस्ट ऑफ द आइटम नीडेड एंड सेंड इट टू द सप्लायर जब आपको लगता है इन्वेंट्री लेवल जो है वो एक बिलो सर्टेन पॉइंट ड्रॉप हो गया है ठीक है आपको लगता है इतना मेन्टेन करना था वो नीचे जा रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब आप आपको माल जो है वो दोबारा मंगाना होगा ताकि आप जो भी डिमांड है उसको पूरी कर पाओ तो आप लिस्ट बना सकते हो सप्लायर को दे सकते हो उसको कह सकते हो टाइम पे डिलीवर कर दे ठीक है तो ऑर्डर आपका क्या होगा स किया उसके बाद आप ऑर्डर को रिसीव करोगे तो अपॉन रिसीविंग द डिलीवरी ऑफ द इट इज़ दॉपरली चेक प्रॉपर क्वालिटी एंड जब आपको वो ऑर्डर प्लेस किया मिल गया तो आप देखोगे कि जो भी प्रोडक्ट आपके पास आया वो अच्छी क्वालिटी में है और अच्छी क्वान्टिटी में कोई डैमेज फॉल्ट वगैरह ना हो अगर है तो आप सप्लायर को बता सकते हो नेक्स्ट इज इन्वेंट्री स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन अब इन्वेंट्री आ गई सही है उसके बाद आपने क्या करना है उसको स्टोर करना है प्रॉपरली ठीक है उसके बाद आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे प्रॉपरली ताकि प्रॉपरली मैनेज हो पाए प्रॉपर स्टोरेज एंड ऑर्गनाइजेशन मेडेंशल फॉर स्मूथ ऑपरेशन एंड एफिशियट ऑपरेशन अगर सही से वो स्टोर है ठीक है तो, तो वो ऑफकॉर्स ख़राब नहीं होगी प्रॉपरली स्टोर है और अच्छी जगह पर स्टोर है जहाँ से वो ईजली निकल सकती है तो आप आराम से उसको जब रिक्वायरमेंट है उसको निकाल सकते हो बिना किसी डिले के तो एफिशियंट ऑपरेशन होंगे तो उसको केयरफुली लेबर कर सकते हो कौन सा आइटम क्या है कहाँ पर रखा है वो लेबर कर दोगे ताकि आपको तो तुरंत वो आपके रीच में आ जाए टेगराइज कर सकते हो स्टोर कर सकते हो न भी कि वो ईजिली मिल भी जाए और जो तो रिस्क है डैमेज का वो भी मिनिमाइज हो जाए नेक्स्ट एंड लास्ट आपको स्टेप करना है वो है इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग अब आपके पास इन्वेंट्री आ गई उसको स्टोर कर दिया उसको ऑर्गेनाइज कर दिया नेक्स्ट और लास्ट हो गया उसको कंट्रोल करना मॉनिटर करना मीन रेगुलर चेक रखना इन्वेंट्री लेवल पे कि सफिशियंट चीज अभी तक है या नहीं है कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के जहां आपको लगता है कि आप एसेंशियल आइटम के इसमें आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं वहाँ पे दोबारा से उसको ऑर्डर करना और स्टेबल कराना चीज़ों को ठीक है वो तो ताकि इन्वेंट्री जो है वो आपके पास सफिशेंट अवेलेबल रहे कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए जैसे कि आपने देखा होगा आपकी किचन में इंग्रेडिएंट होते हैं तो आपको पता होता है कि कब किस चीज़ की ज़रूरत है उसको कोई मसाला आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है मतलब नहीं है किचन में अवेलेबल तो फिर आप उसको मंगाते हो ठीक है ताकि वो चीज़ रहे तो आप कंट्रोल करते रहते देखते रहते कि किचन में कौन सी चीज कब खत्म हो रही है जब खत्म हो रही है जिस समय से खत्म हो रही है जैसे आपको लगता है कि तेल जो दो तीन दिन चल जाएगा उसके बाद खत्म हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाता है कि अब ये पॉइंट आ गया मुझे ऑर्डर कर लेना चाहिए तो इसी तरीके से बिजनेस भी अपना चीजों को क्या करता है डिसाइड करता है मैनेज करता है और कंट्रोल करता है बाय रेगुलरली चेकिंग योर इन्वेंट्री लेवल एंड कंपेयरिंग देम विद द सेल यू कैन मेक श्योर दैट इन एव स्टॉक इज अवेलेबल टू मीट द कस्टमर डिमांड राइट गाइस तो ये पूरा प्रोसेस है जो आपने देखा सबसे पहले इन्वेंट्री की फोरकास्टिंग करना कि कितनी आपको इन्वेंट्री की ज़रूरत होगी क्या डिमांड है उस हिसाब से सब, सब पूरा प्लान करना उसके बाद इन्वेंट्री लेवल डिसाइड करना कि किस चीज़ किस प्रोडक्ट का कितना मिनिमम मैक्सिमम लेवल या क्वांटिटी आपको चाहिए वो डिसाइड करना नेक्स्ट है सप्लाई के साथ बातचीत करना उनको ऑर्डर प्लेस करना नेक्स्ट उनसे ऑर्डर रिसीव करना उसकी क्वालिटी क्वांटिटी चेक करना फिर जो ऑर्डर आपके जो मतलब स्टॉक आया उसको प्रॉपरली स्टोर करना सही से उसको ऑर्गेनाइज करना लेबल वगैरह करना और लास्ट में ये ये पूरा ट्रैक करते रहना कि जो इन्वेंट्री है वो कब खत्म हो रही है किस चीज़ को कब रीऑर्डर करना है ताकि आप कस्टमर की डिमांड को बिना किसी डिले के पूरा कर पाओ और ओवर स्टॉकिंग को अवॉइड कर पाओ राइट गाइस तो हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया पूरे प्रोसेस को आई होप आपको समझ में आए स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उस पूरी प्ले को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे थैंक यू